ज्ञान बाबा जो कहे योग में स्थित हो जाना, ये भी संजीवनी बूटी। जैसे कई बार मतलब ज्ञान तो ठीक है, बेहोश हो जाती है आत्मा तो ज्ञान तो सुनती है, लेकिन जब कनेक्ट करती है तो शक्ति मिलती है। तो ये शक्ति आत्मा के लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है, लगता है ना ऐसा। तो चलो आज बाबा कौन सी संजीवनी बूटी दे रहे हैं। बूटी बेहोश मन को सुरजीत करने, 29:4 के महावाक्य। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही रास्ता कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है, कैसे? बाबा कहते ना, सच्ची कमाई यही है। क्यों और कैसे? क्योंकि यही अविनाशी है, यही साथ जाएगी आत्मा के। कमाई का कभी देवाला नहीं निकलता, डाउन नहीं जाता, शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, लॉकडाउन हो या ना हो। अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता, इंसॉल्वेंट नहीं होता, ये लॉस में कभी नहीं जाती। ज्ञान सुनना और सुनाना, देखो कौन से कमाई की कैटेगरी में आएगा। ज्ञान सुनना, सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। अब देखो ये कितनी कमाई हमने जमा की है, क्यों? क्योंकि 21 जन्मों तक चलना है, और अगर 21 जन्मों तक भरपूर हो के अच्छा स्टेटस चाहिए तो उतनी कमाई चाहिए। और फिर दूसरा, अभी भी 21 जन्म तो ठीक है, लेकिन अभी भी उस जैसे कमाई होती है तो क्या प्रूफ होता है? सिक्योर। अभी अगर मुझे इनसिक्योर फील होती है, इसका मतलब मैंने कमाई नहीं की। तो ये भी देखना है कि अभी भी देवाला नहीं निकलेगा, सिक्योरिटी, और बाद में गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। जब तक ना लगन हो सीने में, बेकार है ऐसा जीने में। जब तक ना लगन हो सीने में, बेकार है ऐसा जीने में। जलना है हमें चंदा की तरह, जगना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह यूं ही ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। फिर बाबा कहते हैं, मैं पास रहूं या दूर रहूं ये बात अभी तुमसे कह दूं, मैं पास रहूं या दूर रहूं ये बात अभी तुमसे कह दूं। मुरझाना नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। मुरझाना नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा।
फूलों की तरह मुरझाना नहीं है। दीपक भी जलता कब रहेगा, लेकिन दीपक की तरह जलना है। जब रोज मुरली सुनते रहेंगे, मुरली का घृत डलता रहेगा। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। अच्छा, हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने बैठ रोते हैं, सुनते समय रोते, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। एक भगत था, भरत, भरत नाम से कुछ था ऐसा, रामायण का प्रेमी, मतलब राम, श्री राम जी का इष्ट भगत, वो इष्ट थे। तो सुनते सुनते रामायण सुनते सुनते फिर ये प्रसंग आया कि सीता जी को रावण उठा के ले गया। बस उठा वहां से एकदम, फिर लिया तलवार, भागा, कहाँ है रावण, मेरी सीता माता को कैसे चुराई। बहुत पक्का भगत था, तो किसी से माने नहीं। फिर बाद में फिर बताते हैं कि फिर उसको दर्शन दिया राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का साक्षात्कार हुआ। बोला हम यही हैं, कहीं गए नहीं। बाबा कहते हैं कि देखो, फिर सुनते समय बैठ, कहते हमारी भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनते समय बैठ रोते हैं, ये सब है दंत कथा है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। पुकारते भी है हे पति पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी है, दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा की को निर्लेप कह देते हैं। समझते आत्मा दुख सुख से न्यारी है, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि समझते परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख और दुख में कैसे आएंगे। इन सब बातों को बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चह चटा बहुत है, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं। देखो तो बाबा कहते हैं ना, जब बेहोश होते हैं तो बाबा संजीवनी बूटी देते हैं। इसलिए जिस दिन समय बहुत माया का लगे, उस दिन तो बल्कि दो बार क्लास करो, चलो सुबह क्लास की फिर माया का झटका, या शाम को क्लास करो। ये संजीवनी मूटी है। और दूसरा योग, मन मनाभव। क्या होता है उस समय, अब ये कहेंगे कि योगी नहीं लगता उस समय, लेकिन जैसे ही हम साइलेंस में बैठेंगे, योग के वातावरण में बहुत जरूरी है एकदम, तो जैसे ही साइलेंस में बैठेंगे तो फिर याद आ जाएगा। इसलिए संजीवनी बूटी है मन मनाभव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, मतलब अट्रैक्शन। देवताओं की मूर्ति को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं, वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो, हम चैतन्य में बहुत हीरे जवारों से सजे हुए थे, याद आ रहा है कि हम कितने हीरे जवारों से सजे हुए थे जब चैतन्य में थे। फिर जब पुजारी बनते तो भी बहुत जेवर पहनते हैं, अब कुछ भी नहीं है। पुजारी, मंदिर के पुजारी भी बड़े सजे हुए होते हैं, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब तो, अब हमारा कंसेप्ट है कौन सा, संगम युग का, संगम युग का कंसेप्ट है बेगर टू प्रिंस, बनवा मेरे,
वन वहा बेगर, वन वहा में रहना, सजा उस समय, अभी सिंप्लिसिटी। आजकल कितनी मुरलियां चल रही है बाबा की। तुम बच्चे जानते हो हम चैतन्य में बहुत हीरे जवारों से सजे हुए थे, चैतन्य रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजा आदि की ठाट बाट नहीं है। अच्छा, सन्यासियों के आ जाते बाबा, क्यों सन्यासियों के भी नहीं आते? सन्यासियों के तन में क्यों नहीं आते बाबा? इस कंटेक्स्ट में होते हैं, उनके भी बड़े ठाट बाट है। अभी तुम समझ गए हो बरोबर, सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारा पवित्र था, उनों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता था। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है, तो तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, तन भी पवित्र आत्मा भी पवित्र, तो जेवर भी शोभता है, नहीं होता है? कोई बहुत अच्छा नेचर वाला, अगर सपोज जैसे कटु नेचर वाला हो और वो ऊपर से पहने तो लोगों को वो जलन भी होती है कि क्या पहना है, देखा अंदर देखो कैसा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा जब सजी हुई थी ना आत्मा, तो वो जेवर भी शोभता था, तो उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। तुम भी खूबसूरत थे, हीरो के याद आ रहा है जेवर, चलो सत्युग, सजा सजाया रूप हमारा, एकदम राजगद्दी पर बैठे हुए एकदम सजा सजाया, और आत्मा चमक रही है। देखो कैसे कैसे जेवर थे हमारे। ओके, तो बाबा कहते बस अब आने वाला है वो। बाबा कहते कौन से थे हीरो के, देख के आए कौन सा हार था? हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे, यहाँ तो हर चीज सावरी है। देखो गौएं भी सावरी होती गई, सत्युग में सिर्फ सफेद गाय होती है, सावरी वाला कंसेप्ट नहीं है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी, साकार बाबा ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है, ऐसी गौए वहां होती नहीं, स्पॉटलेस वाइट काउस ये होती है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चे तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौए हो गई सत्युग में, गौए होगी गाय, गौए तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी, क्यों गोबर किसमें सबसे ज्यादा काम में आता है? बनाते ना उपले, उपले बनाते हैं, खाद जलाने वाले में भी कितना काम आता है। ये अंडर प्रिविलेज तो बाबा कहते हैं जमीन को भी खाद चाहिए, खाद डाली जाती है ना तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है, यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। यहाँ तक कि गोबर का इम्पोर्टेंस गोबर न्यूक्लियर पावर को भी कंबाट कर सकता है, डिफीट कर सकता है। ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जहां जहां गोबर की वो बनी हुई है पूरी, तो वहां न्यूक्लियर उसको पावर का असर नहीं हो सकता। इसलिए तो भारत की धरनी जहां जहां ये क्यों उपजाऊ रही सत्युग में, यही धरनी होगी ना फिर बाद में। तो बाबा कहते कुकिंग गैस भी बनता है,
खाद डाली जाती है तो वहां अच्छा अनाज पैदा होता है, वहां सब चीजें ताकत वाली होती है, यहाँ तो कोई भी चीज में ताकत नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी सूक्ष्म वतन में। सैटरडे को करेंगे इस बार सूक्ष्म वतन का। यह सब साक्षात्कार कराते थे माली, वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। वहां जब सूक्ष्म वतन में जाते थे, साक्षात्कार होते थे, तो माली फल देते थे, मतलब वो साक्षात्कार में। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है। वैकुंठ कहाँ है? न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन। मूल वतन सभी को क्लियर है? तो वैकुंठ न सूक्ष्म वतन न मूल वतन, तो कहाँ है वैकुंठ? वैकुंठ सत्युग में, सत्युग को वैकुंठ, धरती धरती यही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती है वो फिर इन आंखों से देखेंगे, पूरा दिखाई देगा सारा जो साक्षात्कार हुआ था। जैसे पोजीशन में, जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए जाते हैं तो भी टिकट रहती है। राजस्थान के राजाओं में के महलों की बहुत स्पेशलिटी रही, खास वो महल देखने के लिए रखते हैं। उदयपुर में भी है ना महल, बड़े अच्छे थे, अभी तो नहीं है कुछ, अभी तो पैलेस में चेंज हो गए सभी। खुद फिर और महलों में रहते हैं, खास वो महल देखने के लिए रखते हैं राजाएं, और खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में ये है ही बच्चे पतित दुनिया, कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही है। तुम अभी समझते हो? देखो इम्प्योर वर्ल्ड है, अपने आप को इम्प्योर समझते हैं? मतलब इम्प्योर समझना बहुत बड़ी बात है। खामियां है ये तो ठीक है, कमजोरी है, मतलब मिस्टेक्स होती है, वो अलग बात है। इम्प्योर, क्योंकि इम्प्योरिटी का कनेक्शन डायरेक्ट है पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इम्प्योर थोड़ी समझते हैं, वो समझते हैं, वो तो हम गृहस्थी है। तो बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो कि हम तो पतित थे। वो तो कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म, इम्प्योर थोड़ी समझते, कोई काम के ही नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया बच्चे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु है क्या महल अमेरिका में फर्स्ट क्लास महल? महल टाइप का तो नहीं होगा, व्हाइट हाउस है ना? हाँ हाँ, मतलब महल टाइप के घर भी हैं वहाँ पर। बकिंगम पैलेस के जो प्लेट्स है, डाइनिंग प्लेट्स है, वो चीनी के है। हम लोग देवियों के प्लेट्स तो सोने के, वो सूरज भाई के कई बार बोलते हैं ना क्लास में, गए थे दिखाने बकिंगम पैलेस पहचान के थे, तो मेरे प्लेट्स तो गोल्ड के होने चाहिए, ये तो क्या है चीनी के प्लेट्स है। तो बाबा कहते कोई काम के ही नहीं है, हम फिर हम गोरा बनेंगे। वहां की भेंट में यह तो कुछ भी नहीं है, कंपेयर करो सत्युग में, क्योंकि यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौए होती है, वहां ग्वाले भी होते हैं,
श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना, यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वो कहते हैं उनकी जात, हम गुजर गुजर है ग्वाला ग्वाला, और फिर गुजर का वो अपने आप को कहलाते हैं हम कृष्ण के वंशावली के, कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना गुजर के घर में जन्म हुआ ना, गोप ग्वाला के घर में जन्म हुआ। तो बाबा क्या कहते हैं, अब श्री कृष्ण और ग्वाला वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास, अब देखो एक्चुअली बाबा ने कहा है कि सत्युग में होते हैं गुजर, ये गुजर नाम सत्युग का है, लेकिन कौन से गुजर, जो साहूकारों के गौओं को संभालते, गौ तो होगी ना वहां, तो साहूकारों के पास गौएं होगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे, ये गुजर नाम सत्युग का है। कल की बात है, कुछ कुछ सत्युग के टर्मिनोलॉजी बाबा बताते हैं ना हमेशा, तो वहां का नाम है। तो कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने, तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो, कल भी बाबा ने कहा ना हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म कोई क्लियर है ना, कोई होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो, आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। अच्छा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया पता ही नहीं है, कोई फाउंडर ही नहीं है उसका। तो जब फाउंडर ही नहीं है तो वो धर्म नहीं। अच्छा देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, शिव बाबा। तो इसका मतलब है धर्म कोई, फाउंडर के बिगड़ धर्म की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही तो समाज में 10 लोग कोई चीज को फॉलो करते हैं तो वो कोई एक स्टाइल बन जाए, ये कोई स्टाइल नहीं होता है, एक इंटरवेंशन चाहिए। रिलीजन स्थापन करना मतलब क्या, एक इंटरवेंशन है, एक पावरफुल सोल की इंटरवेंशन है, और उसने फिर ये काम किया तो फिर उसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही चार लोग मिलके करे वो नहीं होती है। तो इसी तरह हिंदू संस्कृति हो गई। तो बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म है ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, बताओ बोलो जी, दीपिका बहन बोलो किसने स्थापन, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके, रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं, तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो। देखो बाबा सामने खड़े हैं बैठ के, आज सुप्रीम टीचर है ना, वो खुद मत देते हैं देवता बनने के लिए, उसको खुद को प्रैक्टिकली आके दिखाना करना पड़ता है। टीचिंग्स नहीं चलती है कि कोई से लिखवा ले और वो बोलता रहे, कोई भी बड़े काम के लिए खुद की उपस्थिति ज्यादा होती है, विशेषकर जब एक तो बहुत सारे जैसे सपोज जैसे जो आज परिस्थिति है कि बहुत बढ़ गई है ऐसे, तो उसमें थ्रू काम नहीं चलता है, खुद का इंटरवेंशन, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो उनको खुद को एक सर्वे लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसी और ऊपर से फिर बहुत ज्यादा रूमर्स है कुछ बात के लिए, फिर तो और ही रिलाई नहीं कर सकते। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कितने रूमर्स है और कितने समय से चल रहे हैं, और प्लस फिर परिस्थिति जो ऐसी है,
तो वो खुद आके ट्रेनिंग देता है हमको। इसलिए जो स्टाइल हमारा यज्ञ का चला कि रेगुलर मुरली क्लासेस हो सकते हैं, उससे भी अच्छी अच्छी मंथन की हुई क्लासेस होती है भाई बहनों की, दादियों की, पर वो उसको रेगुलरिटी में नहीं इंक्लूड किया जाता है। मुरली डायरेक्ट महावाक्य वो, क्योंकि उस शब्द में पावर है पूरी और उस शब्द में अथॉरिटी है जिसने बोला वो शब्द। जैसे कई और पर्टिकुलरली बड़े लोग बोलते हैं ना, वो स्पीच पूरा एज इट इज रिकॉर्ड प्रिंट आउट होता है, वो सर्कुलेट किया जाता है। मुरली डायरेक्ट महावाक्य। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा खुद ब्रह्मा द्वारा ये कह रहे हैं, राम पर व शिव बाबा की मत पर श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी तो अपने को कोई देवता कह ही न सके, रावण ने विशेष बना दिया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, देखो वाइसलेस, विशेष से वाइसलेस, और वाइसलेस का नेक्स्ट पड़ाव है या रिजल्ट है वायरलेस। वर्च्यू से फुल होंगे वायरलेस, वाइसलेस सो वायरलेस। सत्युग में जस्ट इमेजिन करो मींस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, ईमेल नहीं, फोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मोबाइल नहीं, संकल्पों से कोई भी तरह का नहीं होगा। तो सोचो किस तरह चलेगी कम्युनिकेशन, सोचना इस वक्त, ये बड़ा डीप पॉइंट है। तो वॉइसलेस ही वायरलेस होगा मींस। तो बाप आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा, ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, जान जाते हो, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है ब्रह्मा बाबा की। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देवीमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है, आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। याद और प्योरिटी का बहुत कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है, अगर लॉजिकली भी सोचो, हम इम्प्योर क्यों बनते गए, क्योंकि देहधारी को याद करते गए, चाहे बहुत स्पिरिचुअल फिगर रहा, डिवाइन फिगर था, कोई भी देहधारी को, लेकिन ऐसा देहधारी याद किया तो स्वयं की भी बॉडी कॉन्शियसनेस और पक्की होती गई, जितनी बार उनको याद किया वैसे खुद को भी मेल समझते थे, फीमेल समझते थे, और फिर देह के तरफ दृष्टि रही। तो यहाँ याद ही निराकार को कर रहे हैं, और खुद को स्वयं को रिक्विजिट है, निराकारी बनना ही होगा, इस कारण पवित्रता शुरू हो गई, इजी हो गया हमारे लिए पवित्रता। तो बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझ सिर पर रह जाएगा, आत्माएं तो सभी पवित्र होती है, फिर हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो न सके, सबसे ऊंच पार्ट बाबा का है, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है, जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, किसका पार्ट है पालना का पार्ट, पालना का पार्ट किसका,
ब्रह्मा सरस्वती बड़ा पार्ट है उसको, पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, ऐसी नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहां सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। एक ही है जिसके पास लोन कौन लेता है, पैसा नहीं है, वो चीज मेरे पास नहीं है तब लोन लेते हैं, तो एक ही लोन लेगा शिव बाबा, बाकियों को की लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं, पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, पतित शरीर लेते हैं। देखो वैसे बाबा कहते हैं पतित शरीर, पर एक्चुअली 1932 से ब्रह्मा बाबा साकार में भी बिफोर नॉलेज 36 में नॉलेज मिली। बाबा का स्वयं के प्रति इतना ध्यान होता था, याद में बैठते थे बाबा, कई बार कहते हैं ना कि फिर मन जाता, मन को बहुत समझाते थे कि हे मन तू क्यों यहाँ वहां जाता है, तुझे कौन मिला है, गुरु की याद में बैठते थे फिर जाता था। फिर भी मतलब स्वयं के प्रति अभ्यास बाबा का पहले से कितना था। अच्छा फिर और भी नहीं सुनता था, फिर चमाट मारते थे, बाबा कहते हैं ना चमाट मारते थे, और बाबा राजाओं के साथ का कनेक्शन था, तो खुद राजा और जैसे मन मंत्री, ये बाद में तो हुआ ही है, पहले से बाबा का ये था कैसे राजा गद्दी पर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित शरीर में, लेकिन काफी पतित प्योर शरीर था उस हिसाब से, पतित शरीर में पतित शरीर में आना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। ऐसी नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, शंकर को बाबा कहते शोभता ही नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, अच्छा कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं, बच्चों के लिए समझाया जाता है। सारा मदार योग पर है, योग से विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर क्यों धारणा अच्छी थी, बाबा के ज्ञान में धारणाओं ऑटोमेटिक क्यों अच्छी होती जाती है। एक बहुत बड़ा रीजन सेवा, हम आत्माएं जैसे ही ज्ञान में शुरू होती ना सेवा करना शुरू कर देती है, क्योंकि अच्छा लगा बहुत कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, और सेवा करने का मतलब ही है स्वयं को प्रूव करना पड़ेगा दूसरों के सामने। जैसे हम कहते कि ये सुनो बहुत अच्छा है, हमारे ये काम अच्छे हो जाएंगे, तो दूसरों को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कैसे मेरे काम अच्छे हो। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, फिर बोलेंगे खुद को क्रोध नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है, धारणा में चलते रहेंगे क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात, भगवान ने जिनों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, नाज है ना, भगवान मुझे डायरेक्ट ही ज्ञान सुनाता है, बाकी जो अभी संगम युग में नहीं सुनेंगे फिर क्या हो जाएगा उनका पूरा कल्प। कई होते हैं ना, रोज हम शिवानी बहन का सुनते हैं, बहुत अच्छा, और प्रोग्रेस देखो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ठीक है जो जो करते हैं, पर स्वयं पावन बने, पवित्रता धारण की, जब इतना लॉजिकल है तो प्योरिटी नहीं क्यों नहीं आई, खान पान की शुद्धि हुई वो कुछ नहीं हुआ।
ये मुरली से ही आता है, रोज की मुरली से ही आता है। तो पतित पावन से ये पावर आएगी ना, और सबसे ये पावर नहीं आएगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ ज्ञान सुनना सुनाना होता है, धारणा, अभी बाप तुमको जो सुनाते वो तुम सुनते हो, धारणा होती है, फिर तो प्रालब्ध का पाठ बजाना होता है। सत्युग में ये पाठ ही नहीं होगा, मनुष्य वहां तो है ही प्रालब्ध का पाठ, मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं, यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। देखो एक तो बड़ी कमाई क्यों है, ये एक लॉजिकल है कि 21 जन्म चल रहा है, ठीक है, इसलिए बड़ी कमाई है, और इतनी बड़ी पढ़ाई है इसलिए बड़ी कमाई है, और एक और रीजन है, हम इस पढ़ाई में इन्वेस्ट क्या करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत प्रॉफिट हुआ कोई शेयर में, कब होता है कि लिया कितना था, कौड़ी के भाव लिया था, और आज इसका देखो एक साल में इतना रेट बढ़ गया, तो लगता है ना बहुत कमाई हुई, 100 ही रुपया बढ़ा होगा, लेकिन तुमने तो 5 रुपए में लिया था, तुम्हारे लिए तो कितने टाइम्स हो गए। तो बाबा के ज्ञान में हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, संकल्प, जैसे आज हम पुरुषार्थ में सुनेंगे, जो संकल्प वेस्ट जा रही है, न्यूज सुनने में जा रहे हैं, ऐसे वैसे, वो संकल्प हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वैसे ही वेस्ट जा रहे थे और उससे इतनी कमाई मिल रही। अच्छा, दूसरा 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे, चलो 1.5 घंटा करते हैं, तो ये सुबह के 1-1.5 घंटा अदरवाइज भी क्या होता था, क्या करते थे, नहीं तो लेट उठते, न्यूज सुनते 9 बजे तक, मुझे नहीं लगता इस कोई, चलो 8:30 समझो, कोई बहुत प्रोडक्टिव वर्क करते होंगे, बहुत कम होते जो करते हैं। तो फिर हमने इन्वेस्ट क्या किया, वेस्ट टाइम, वेस्ट संकल्प, व्यर्थ संकल्प इन्वेस्ट किया, उसके एवजे में क्या मिला, इसलिए बहुत कमाई है। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें, तो यह तुम्हारी, तुम सच की कमाई करते हो, कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी देवाला निकल ना सके, अभी तुम सच की कमाई करते हो, वो फिर 21 जन्म साथ रहती है, वो कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई का साथ देना चाहिए ना। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं, बाप और वर्से को बच्चे भूलना नहीं चाहिए, बार बार याद करो, चलो याद करो बाबा सामने, बाबा कहते याद करो बार बार, मैं आत्मा ऊपर गई परम धाम, इधर विनाश हुआ परम धाम गई, थोड़े दिन रही परम धाम, वहां से नीचे, तब तक पूरा न्यू वर्ल्ड तैयार हो गया, देवी देवताओं का शरीर रेडी, बाबा से बाय बाय किया नीचे देव शरीर में, ब्यूटीफुल बॉडी, प्रिंस की बॉडी में देखो, देव आत्मा की आत्मा चमक रही है। ओके जी, बाप और वर्से को याद करो ऐसे बार बार, बीच बीच में बस, मैं आत्मा गई ऊपर, अब देव शरीर में आने ही वाला है, तो याद करो। तो बाप और वर्से को भूलना नहीं चाहिए, वर्षा भी याद रहे, बस बात एक ही है, बाप को याद करो, जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु होती नहीं है वहां, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य, इसमें माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है,
अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो, परंतु कर नहीं सकेंगे। अभी के तूफान में अगर हम सोचे कि भूल जाती याद, आगे बढ़ने वाले कम होने वाले, याद में बहुत फेल होते हैं। पर देखो, फेल तो होते हैं, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, जितना हम थोड़ा पुरुषार्थ करते ना, बहुत विशेषकर अमृत वेला, इतनी याद पावरफुल हो जाती, फिर तो सारे दिन के लिए बहुत फायदा है और बहुत सिक्योर फील करेंगे। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, हमको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी नहीं, जितनी याद पावरफुल है। तो ये प्रूफ है। तो योग की बहुतों में कमी है, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, योग में मजबूती चाहिए। साथ में इमर्ज करो बाबा को, सदा साथ है बाबा की, बाबा अपने पूरे तेजस्वी स्वरूप में साथ है, इसमें कमी है। बाप कहते मुझे याद करो, मुझे याद करने से, और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, अंडरलाइन करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। दुनिया में इतने साइंस के मास्टर्स, इसके मास्टर्स, कहते कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये कहां से, ये जो भी आज सिनेरियो हम देख रहे हैं, नहीं जान पा रहे। और बाबा ने कहा मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। हम लोगों ने समझ लिया क्या? समझा? जो भी परिस्थिति देख रहे हो, हमने समझ लिया ना इसका पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य समझना ही तो जानना है। जब रहस्य समझेंगे, बाकी बहुत कुछ बातें समझ जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान, श्रेष्ठते श्रेष्ठ वह है, ऊंचते ऊंच, ऊंच से ऊंच वर्षा देते हैं, 21 जन्म के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। अच्छा, बहुत याद करना चाहिए। देखो बाबा कह रहे हैं, सभी ने कल बताया ना, बहुत अच्छा अच्छा अपना मेथड्स बताया, ऐसे ऐसे हम याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, बस कंटिन्यू रखे वो मेथड को। बाबा कह रहे बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर तो और सब कुछ याद आ जाएगा। या तो बाप को याद करो, नहीं तो फिर बाकी सब कुछ क्या याद आएगा? फिर बाकी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, और जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्मृति में रहेगी, वैसी क्वालिटी की फीलिंग्स चलेगी। तो अगर मेरी बाबा की याद की क्वालिटी की फीलिंग्स चलेगी, तो वैसा क्वालिटी का इंफॉर्मेशन रहेगा, तो वैसी फीलिंग्स चलेगी। ऐसे कई है, ऐसे जो भी अभी चल रहा है, प्रकोप आए बाबा के बच्चों में कई, पर इतनी डीप, पूरे दिन मुरली में दो दो बार, तीन तीन बार क्लास करते, क्लास कराना, बस इसमें लगे रहे, पता ही नहीं चला, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर वो बीमारी का भी नहीं पता चलता। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा, और उसके पहले मुझे याद करने से, मुझे जानने से सब कुछ जान जाएगा। दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। ओके जी, तो धारणा के लिए सार, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है।
जब से ज्ञान मिला मेरा एक एक संकल्प बहुत वैल्यूबल है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर फिर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। अच्छा, दूसरा है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। सच की कमाई किसे बाबा ने कहा? सच की कमाई सुनना और सुना लो। सुनना दिवाला नहीं निकलता है। सुनना, सुनाना, याद करना, कराना, ये सब सच की कमाई। तो जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। देखो, शाम को प्रोग्राम चल रहा है ना, तो करो, सेवा करो, ये कमाई है। मैं जितनों को फोन करूंगी, मैसेज करूंगी, वो मेरी कमाई होगी। अच्छा, वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन। अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने बन अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। अनजानपन, वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योगयुक्त है उन्हें अनुभव होता है, जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो ज्ञान मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता। दूसरा, योगयुक्त वालों को अनुभव होगा, सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन सा ज्ञान स्वरूप, कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। जो सभी रूपों से समझ गए माया को, तो ये भी समझना है। योगयुक्त अर्थात ज्ञान स्वरूप और योगयुक्त, मतलब हम ये नहीं कह सकते मुझे तो ये तो पता ही नहीं था, ऐसे ये कर रही है। दूसरे के फीलिंग्स का भी ज्ञान और स्वयं के फीलिंग्स का भी जिम्मेवारी। तो बाबा कहते हैं तो हर चीज का पता है। इसलिए तो देखो, ज्ञान मुरली रोज रेगुलरली का क्या इम्पैक्ट है। इंफॉर्मेशन है ना सारा। जो बड़े बड़े होते हैं एक कंपनी में, वो मीटिंग्स वो मिस नहीं कर सकते उनके। भाई आज बोर्ड मीटिंग है, हमें रहना ही होगा, क्योंकि काफी डिस्कशन होती है उसमें जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह ये भी हमारा बहुत मुरली, बाबा पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मिस कर देंगे फिर। बाबा ने दिया है पूरा। तो ज्ञान, और दूसरा ये भी जानते हैं कि माया की छमछम, माया कैसी प्रभावित करने वाली है। तो माया के सारे स्वरूपों को समझना, बाकी क्या क्या हो रहा है उसको समझना, ये सब ज्ञान है।
तो हम कौन है आज? ज्ञान स्वरूप योग युक्त। तो जब ज्ञान स्वरूप की बातें आएगी मतलब क्या होगा फिर? ज्ञान स्वरूप कोई भी परिस्थिति देखेंगे, ज्ञान स्वरूप होगा तो क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे? पता है माया को पहचाने, ये है ऐसा, ऐसा होना है, पता है। बाबा ने तो वैसे ही प्रेडिक्शन सारी कर दी थी, नेस्ट्रोडेमस की कुछ प्रेडिक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस सच हुई, द मैन हु सॉ टुमारो। तो फिर उसकी चार भी प्रेडिक्शन सच होती है ना, फिर बाकी दो की भी मतलब बिलीव करने लगते हैं कि यस ये राइट है, बिकॉज इतनी सारी राइट हुई है, बाबा की कौन सी रॉन्ग हुई है? ऐसा समय आएगा ना, डैश डैश डैश, भंबोर को आग लगेगी, तो भंबोर को आग लगेगी, ये वो सब कुछ बाबा ने बताया। दिख रहा है किसकी दबी रहेगी धूल में, सब कुछ है। तो सब स्वरूपों का ज्ञान, तो आज का ये ध्यान रखेंगे, ज्ञान स्वरूप। अर्थात हम ये नहीं कह सकते मुझे इसका नहीं पता था। योग युक्त मतलब पहले अनुभवों की क्या होना है, और ज्ञान स्वरूप में सब कुछ, माया का रिमझिम का भी ज्ञान आदि, ये भी है। बहुत ज्यादा हम इंटरेस्ट लेते हैं बहुत सारी बातों में, इंफॉर्मेशन में, ये भी क्या कहेंगे, ज्ञान है या माया है? माया है, माया। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्नचित है वह कभी प्रश्नचित नहीं हो सकते। जो सदा प्रसन्नचित है वह कभी प्रश्नचित हो नहीं सकते। आज का ये है 29th है ना। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो। एकांतवासी बनने से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। एकांतवासी तो एकाग्रता। हलचल तो बहुत तरह की है, तो इसलिए बाबा ने उसके लिए अंडरस्टैंड करना है, बाकी पता है ये तो होना ही है। अच्छा,